एक ऐसी लड़की हूँ जिसे बर्गर खाना बहुत पसंद है और मेरे इस टैलेंट को देखकर डोनाल्ड मैकडोनाल्ड ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। अब देखते हैं मेरे साथ क्या क्या होगा। प्लीज मुझे कोई अडॉप्ट कर लो। वैसे फ्रेंड्स, आपके लिए ना एक बहुत बड़ा गिव अवे है। अगर आपने मेरे वीडियोस पे बेस्ट मतलब बहुत अच्छे से मस्त कमेंट किए तो मैं आपकी कमेंट पर ही जाकर लेके बैनर पे लगाऊंगी। तो जल्दी से जाइए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। वैसे प्लीज कोई अडॉप्ट कर लो मुझे। परी लो, मैं आ गया। मैं हूँ रोनाल्ड मैकडोनाल्ड, जिसका खाना तुम्हें बहुत पसंद है ना। और मैं आया हूँ तुम्हें अडॉप्ट करने। चलो मेरे साथ मेरी दुनिया में। रुको रुको रुको, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसे नहीं दिख सकती। तुम्हें मेरे जैसे दिखना चाहिए ना। ठीक है ठीक है, 3, 2, 1। अब से तुम परी नहीं हो, रोनाल्ड मैकडोनाल्ड की बेटी हो। बच्चे का सपना होता है कि उसे रोनाल्ड मैकडोनाल्ड जैसे मम्मी पापा मिले और मुझे मिल भी गए। एक सेकंड, बट मेरी मम्मी कहाँ पे है? मैं जो करूँ ना, तुम मुझसे शादी नहीं की किसी ने भी। मतलब मैं मेरे चॉइस की मम्मी ढूंढ सकती हूँ। वैसे अब मैं नहीं खाऊंगी दाल और राइस, बस खाऊंगी बर्गर और फ्राइज। तो बाय मेरे पुराने मम्मी पापा, चलो हम जाते हैं। अरे परी, तुम इतनी जल्दी उठ गई? पापा, आज हम क्या क्या करने वाले हैं? हाँ, हम घूमेंगे, नाचेंगे, स्कूल जाएंगे, बर्गर खाएंगे और क्या। चलो चलो चलो, स्टार्ट करते हैं। चलो 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 चलो। अरे पापा, हम घूमने जाएंगे, स्कूल जाएंगे, और हम किससे जाएंगे? मेरी स्पेशल वाली मैकडोनाल्ड की कार में। देखो इससे जाएंगे। ठीक है चलो। आओ परी बेटा, ये देखो, ये है तुम्हारा नया स्कूल, कैसा लगा? वाह पापा, बहुत ही मस्त है। वैसे मुझे बताओ ना, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट होते हैं? बस एक ही सब्जेक्ट होता है परी। बस एक ही? तो हिस्ट्री नहीं? ज्योग्राफी नहीं? नो मैथ? अरे बाबा नहीं। साइंस? नो, यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, मैकडोनाल्ड्स। मैकडोनाल्ड्स? तो यहाँ पे सिखाने के लिए कितनी टीचर होती है? अरे एक सब्जेक्ट है तो एक ही टीचर होगी ना बुद्धू। तो टीचर कब आएंगे? ये देखो परी बेटा, तुम्हारी नई टीचर मिस प्राइज। परी बेटा, तुम्हें कितनी बार बताया कि हमारे स्कूल में बुक्स नहीं चलती। तो मिस, आप मुझे क्या सिखाने वाली हो? परी बेटा, हमारे स्कूल में बर्गर, फ्राइज और मोटा बनाना। मतलब मोटा बनाना? हाँ, बर्गर फ्राइज करके सब मोटे बनते हैं ना, तुम भी मोटी बन जाओगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बर्गर का बन कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो ये बस इतनी पढ़ाई करनी है मुझे? हाँ चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें। ये आटा है, हाँ, तो हमें ना बहुत अच्छे से गूंदना है, तो चलो गूंदो। ओके ओके। परी बेटा, तुम तो बहुत अच्छे से कर रही हो। है ना मैं? ओके। अरे बेटी किसकी है? वैसे मिस प्राइज, मैंने सुना है कि आपका बर्गर के साथ ब्रेकअप हो गया है। तुम्हें पता है, मेरा मैट महाराजा बर्गर के साथ शादी फिक्स हुई है। अपने बेटी को भी लेकर आना। आना परी, ठीक है? आना जरूर आऊंगी। अच्छे से करो परी। आटा तो हो गया, अब हम बर्गर बनाते हैं। ओके। बर्गर और फ्राइज बनाना एक आर्ट है, 20 साल
साल रिसर्च करके मैंने ये बर्गर और फ्राइज बनाए। ओह 20 साल। हाँ। मतलब मेरे मम्मी ने ना YouTube पे एक बस वीडियो देखा था, फिर बर्गर और फ्राइज बनाया था। और बर्गर और फ्राइज ना हर गली नुक्कड़ में तो मिले जाता है मिस फ्राइज। क्या बोला तूने? मेरे जैसा बर्गर कोई नहीं बना सकता। ओके ओके चलो टिक्की डालो ऑयल में। ओके धीरे से, धीरे धीरे धीरे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या करूं? थोड़ी देर रुको। वैसे मिस फ्राइज मैं क्या बोल रही हूँ कि हम बस मैकडॉनल्ड में बर्गर और फ्राइज क्यों बेचते हैं, हम पिज्जा क्यों नहीं बेचते? क्या बोला तुमने? मेरे सामने सिर्फ बर्गर की बात करोगे? बर्गर हमारा दोस्त है और पिज्जा हमारा दुश्मन, समझ में आया? करो काम, निकालो अभी, अच्छे से पक गई है। ये हमारी टिक्की रेडी हो गई है। yes. चलो बर्गर बनाते हैं। बर्गर बनाना तो सीख गई हो, पर अभी तुम्हारी होगी फ्राइज टेस्ट, और तुम्हें ऐसी फ्राइज बनानी है जो 200 साल वैसी की वैसी लगे। ओके मैम, ठीक है, चलो। मेरी फ्राइज देखकर तो मिस फ्राइज खुश हो जाएगी। मिस फ्राइज बर्गर उसके बाद मैक स्पाइसी चिकन, उसके बाद मैक वेजी बर्गर, उसके बाद मैक आलू टिक्की बर्गर, उसके बाद कॉर्न एंड चीज बर्गर, और उसके बाद मैक्सिकन आलू टिक्की बर्गर, उसके बाद मसाला एग बर्गर, उसके बाद ओके। नहीं मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना, यहाँ पे तो बस एक ही काम करवाते हैं, बर्गर एग बर्गर फ्राइज। अरे परी बेटा क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों दिख रही हो, बताओ मुझे। कुछ नहीं, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। ऐसे कैसे नहीं पढ़ना, तुझे ना बड़े हो के बहुत बड़ा मैकडॉनल्ड्स का स्टोर खोलना है। ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये लड़की तो किसी काम की नहीं है, नाक कटवाएगी। ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ जाते ही तू पागल हो जाएगी। पापा मुझे सरप्राइज देने के लिए कहाँ लाए हो? थोड़ा सा वेट तो करो, ये देखो मेरा सरप्राइज। मैकडॉनल्ड्स? मैकडॉनल्ड्स? पापा हम तो आपके ससुराल आ गए। क्या मुझे बाहर भी घूमना है मैकडॉनल्ड्स में? क्यों? अगर तुम्हें बाहर घूमना है तो गूगल मैप पे घूम लिया करो, तुम्हें रियल में आना है तो मैकडॉनल्ड्स ही आना पड़ेगा। ठीक है चलो 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 चलते। तो पापा अब हम मैकडॉनल्ड में तो आ गए, तो आप मुझे क्या खिलाओगे प्लीज? कुछ अच्छा खिलाना। रुक जाओ, तुम्हें अभी ना ऐसी चीज दिलाऊंगा जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। ओके, इसका मतलब पक्का कुछ अच्छा खिलाएंगे पापा। वाह, इतने सारे बर्गर है, इसमें से कौन सा बर्गर दूं मैं परी को? ये लो परी तुम्हारा लंच। पापा ओ वाह, चलो खाते।
क्या तुमने कभी इतना बड़ा बर्गर देखा है? इतना बड़ा बर्गर, वाह! चलो जल्दी से खाते हैं। बाय मेरे चचेरे भाई रोनाल्ड मैकडॉनल्ड। पापा, मैंने ये बोल रही थी मुझे ये खाना है। हाँ, छोले भटूरे खाओगी तुम? मैंने बोला ना, हम लोग सिर्फ मैकडॉनल्ड्स का ही खाना खाते हैं, बर्गर फ्राई, इसके अलावा और कुछ नहीं खा सकते। चलो जल्दी। ओके ओके पापा, ठीक है चलेगा। पागल हो गए तुम बड़ी, ये क्या कर रही हो? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए फ्राइज लाए हैं। क्या हो गया इसको? क्या हुआ परी? मुझे बर्गर फ्राइज नहीं खाना, आप तो खुद ही करो, मुझे भी जोकर बना दिया। मैं जा रही हूँ, ये बर्गर फ्राइज आप ही खाओ। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने इस जोकर के साथ आगे बहुत बड़ी गलती की। मेरे रियल मम्मी पापा भी बहुत अच्छे थे, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।